सिंह बाबू स्टेडियम में तरण ताल के नवीनीकरण के नाम पर पिछले 2 वर्षों में 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया। आलम ये है कि विभागीय लापरवाही के चलते आज भी यह तरण ताल सूखा पड़ा हुआ है। खेल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार ये तरण ताल पिछले वर्ष पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस मामले में विभागीय अधिकारी अब कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के तरण ताल की। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के तरण ताल की अगर बात करें तो पिछले 2 वर्षों में 18 करोड़ रुपए इसके नवीनीकरण के लिए खर्च कर दिए गए, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते ये तरण ताल पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि जर्जर अवस्था में है। आइए दिखाते हैं हम आपको यहाँ की स्थितियाँ। गंदगी का अंबार है इस तरण ताल के अंदर, पूरी तरीके से गंदा पानी इसके अंदर है। काफ़ी दिनों से इस पानी को हमें लगता है साफ़ ही नहीं किया गया है, पानी में काई वगैरह भी जमी हुई है। खेल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार यह तरण ताल पिछले वर्ष पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। 1970 में बने इस पुल को ठीक कराने के लिए पहले 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। बाद में काम प्रभावित होने और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के नाम पर 8 करोड़ रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया। खेल विभाग अब तक 18 करोड़ रुपए का बजट निर्माणाधीन संस्था को दे चुका है। हम आपको इस तरण ताल की सुविधाओं को दिखा रहे हैं। खेल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार यह तरण ताल पिछले वर्ष पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस मामले में विभागीय अधिकारी अब कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के छात्रावास के खिलाड़ी भी अब इसके खुलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब ये कब खुलेगा। यहाँ की स्थितियाँ देख रहे होंगे कि किस तरीके से वर्ष 2023 में इस तरण ताल का निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन वर्ष 2024 में 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस तरण ताल की खुलने की उम्मीद अभी भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। कैमरामैन हिमांशु कश्यप के साथ अंशुल शुक्ला, अविरल टाइम्स।